सभी शिक्षक और विद्यार्थी मित्रों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं नवोदय एग्जाम का सिलेबस पाँचवीं क्लास का। और जो UPSC और MPSC के स्टूडेंट हैं, जो CSAT की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बेसिक है। CSAT का बेसिक है नवोदय का एग्ज़ाम, तो इसे थोड़ा देख लेना, हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और स्कूल के जो टीचर और स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये जान लेना बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें तीन सेक्शन है नवोदय के लिए, मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स और लैंग्वेज। तो मेंटल एबिलिटी में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के लिए, और मैथमेटिक्स का वेटेज है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, और लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए। इस तरह 100 मार्क्स का पेपर बन रहा है। तो पहले देखते हैं मेंटल एबिलिटी में क्या सिलेबस दिया जाए। ऑड मैन आउट, अलग पहचानो, आइडेंटिकल फिगर्स, समान आकृतियाँ, कंप्लीट द स्क्वायर, स्क्वायर पूरा करो, कंप्लीट द सीरीज, श्रृंखला को पूरी करो, फाइंड द एनालॉजी, इसमें चार समान आकृतियाँ दी जाती है दो सेट में चार चार के, और उसमें एक इनकम्प्लीट होता है उसे पहचानना पड़ता है। इनकम्प्लीट फिगर, इनकम्प्लीट फिगर को पूरा करो, फाइंड द रिफ्लेक्शन, मिरर इमेजेस, वाटर इमेजेस, फोल्ड एंड अनफोल्ड द पेपर, जॉइन द पीसेस, टुकड़ों को एक करके एक आकृति बनाओ, फाइंड द हिडन फिगर, छुपी हुई आकृति को पहचानना। तो ये मेंटल एबिलिटी का सेक्शन है, इसके हम इसलिए हमें इसकी ज़्यादा तैयारी करनी है कि इसमें 50% वेटेज दिया गया है। और ये रीजनिंग और मैथ जो CSAT का पोर्शन है इसी पे डिपेंड है, तो ये बेसिक है, यहाँ से शुरुआत होती है। अगला सेक्शन है मैथमेटिक्स, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। तो इसमें क्या हमें पढ़ना है, नंबर एंड नंबर थ्योरी, फोर फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिविजन, फ्रैक्शंस एंड फोर फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन देम, फ्रैक्शंस को पढ़ना है हमें, रैशनल इरेशनल नंबर्स भी इसमें आएंगे, फैक्टर्स एंड मल्टीपल इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज, फैक्टर्स एंड मल्टीप्लस, इसी के ऊपर डिपेंड है अगला चैप्टर LCM एंड SCM, और डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन देम, अगला है कन्वर्शन ऑफ फ्रैक्शन टू डेसिमल्स एंड वाइस वर्सा। तो फ्रैक्शन में क्या होता है, मल्टीपल फ्रैक्शन होता है, एक मिक्स फ्रैक्शन होता है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, तो इसका कन्वर्शन हमें करना है, डेसिमल में भी करना है। अप्लीकेशन ऑफ नंबर्स इन मेजरिंग लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम, मनी, ETC, डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, इजी पार्ट है, परसेंटेज एंड इट्स अप्लीकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। तो ये सभी जो पार्ट है पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं के सिलेबस में है, स्टेट के और CBSE के भी सिलेबस में दिए गए हैं। तो यही बेस है हमारा CSAT का भी, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे तो और फायदेमंद रहेंगे। और तीसरा जो सेक्शन है लैंग्वेज यानी इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें 25 क्वेश्चन है, पैसेज के ऊपर डिपेंड है। तो पैसेज को हमें केयरफुली पढ़ना है, CSAT का भी जो इंग्लिश का पोर्शन है, इंग्लिश पैसेज का, UPSC में भी और MPSC में भी। तो इसकी बेसिक प्रिपरेशन हम यहीं से शुरू कर सकते हैं, जो टीचर है स्टूडेंट्स है पाँचवीं क्लास के, वो अभी से इसको ध्यान से पढ़ना शुरू करें। तो ये है आज का विषय, आपको पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम एक एक टॉपिक पे, नवोदय के एक एक टॉपिक पे, एक एक दो दो टॉपिक पे हम एक छोटा छोटा वीडियो बना के डालेंगे ताकि टीचर्स और स्टूडेंट्स को भी फायदा हो। तो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद, मिलते हैं।